हर हर महादेव। जोर जोर के लाओ फिर नारा, हर हर महादेव। हाय एवरीवन, सो आज जा रहे हैं हम अपने ट्रिप पे और सुबह के बज रहे हैं 4:30। बाकी मिलते हैं आपको रेडी होकर, अभी मैं नहा कर आई हूँ। बाय। सो मैंने सूट डाला था बट मुझे लगा कि मुझे ये डालना चाहिए तो मैंने सूट चेंज कर लिया। बाहर आप मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है और तूफान इतना चला हुआ है, थोड़ी सी ठंड फील हो रही है और वहाँ तो ठंड होती ही है। बाकी आपको मिलते हैं आगे जाकर। बाय बाय। सर ने बोला कि आप कालका तक आ जाओ तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह स्कूटी के मज़े लेते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जिम के बाहर सुबह 6 बजे और वेट कर रहे हैं और बच्चों का जिन्होंने आना है। और ये बस की है सर ने, और मुझे बाद में पता लगा ये हमारे भैया की बस है जो की है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है। तो हमने जाना था चक्की मोड़ से और चक्की मोड़ का रास्ता हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये जो जगह है ना गाइस, मतलब जहाँ तक हमने जाना है ये बीच में जितना भी गांव पड़ता है, लाइक ये एरिया इतना ठंडा था ना, और ये जगह इतनी प्यारी थी कि यहाँ आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे अगर आप यहाँ आओगे। तो मतलब हमने हसीन वादियों के मज़े भी लिए और इन्जॉय भी किया, और भगवान की दया से हमारे जितने भी ट्रिप में बच्चे थे वो सब बहुत अच्छे थे। बीच में दो दो तीन तीन क्लोली भी थे, और बिना क्लोल के तो आपको पता है कि ट्रिप अच्छा नहीं होता है। तो हमने बहुत इंजॉय। हाँ मैं तो भी बीच में आई थी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी है, 2-3 किलोमीटर ऊपर रास्ता है, और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। हाँ सर, मेरे को आदत है। सो हम चल पड़े हैं ऊपर को, और पैदल पैदल का रास्ता है। सर कैसा लग रहा है? ये भूखड़ कैमरा कहाँ है? आईफोन दे दिया, आता है नहीं मुझे चलाना। इसका कैमरा कहाँ है? ये मिल गया मिल गया मिल गया, खड़ा हो जाइए। सिनेमा उसमें करना, वीडियो बना। और भैया मैं बोल रहा था कि वो नहीं नहीं काजल काजल वाला कोई टैलेंट था। हाँ ये ध्यान रखना, ये भाई ज्यादा आगे ना जाना। हाँ जी हाँ, भी खींचती रुको। फाइनली हम पहुंचे गाइस। इतना बुरा हाल हुआ ना, लाइक मुझे इतनी आदत नहीं है चढ़ाई चढ़ने की, बट चलो शिव जी ने बुलाया हुआ था तो बुलावा था तो जाना ही था। बट बहुत अच्छी जगह गाइस, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं आपको लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये हमारी क्यूट सी ममता जिसका काम है सबको टीका लगाना, ये बहुत परफेक्ट टीका लगा रही थी। क्या?
ये है मंदिर के बैक साइड का व्यू गाइस, इतना अच्छा और ये इतनी हाइट पे है ना मंदिर। लाइक मुझे ना हाइट से फोबिया है, बट फिर भी मतलब देखे बगैर रहा नहीं जा रहा था। मैं सेकंड टाइम यहाँ आई थी। आप लोगों को तो सजेस्ट करूंगी एक बार आप महादेव जी के दर्शन करने जरूर आएं। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप यहाँ जरूर आएं और देखें कि कितना अच्छा मंदिर है। बाकी अब टीम ब्रेकफास्ट कर रही है और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे और आगे के व्यू का मजा लेंगे। हाँ मुझे भी लगा था, मैंने पहले खोल के देखा क्या करूँ। आगे पर्सनैलिटी ऐसे फोटो खींच दी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं हमने नहीं बोलना। आपको मंदिर कैसा लगा? मंदिर तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन मैं आपके बारे में बोल सकता हूँ सर, मेरे बारे नहीं बोलना ना। सीप पौड़े की तो महिमा ही बहुत बड़ी है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसके खिलाफ कोई बोल सकता है? बोल सकता है, बोल के बता दो। ढको सिर पे फिर बोलो कुछ। हर हर महादेव। जोर के लाओ फिर नारा। हर हर महादेव। और एक और, बस एक ही, एक ही। आप तो इतने बड़े भगत हो। हर हर महादेव। बस मिल गया भैया, फिर क्या होता है? ये सैंपल है, वही वाला सैंपल है बेटे वाला। चलो चलते चलते ढूंढते हैं नीचे, बाकी तो है नहीं। ओ हैप्पी भाई तो कल आएंगे, ऊपर है बस यार, वो मिल जाना। तूने वॉशिंग मशीन दी तो कपड़े धोने वाली गैस सिलेंडर चूल्हा मेरे को हर बारी आटा दे दे मेरे को, मैं कसम से मारूंगा तेरे घर पेट सीधी कर रहा है। उधर देख कितना का लग रहा है व्यू, देख कितना डर रहा है ना उधर का, तू कहां जा रहा है? फोटो खींच देख। पूनम मैं भी आ रहा हूं क्या यार? हम बैठे हुए हां सब आ रहे, टेंशन ना लो। मैंने फोटो बमिंग कर दी। पूनम मेरी अकेले है, खराब ही मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। वीडियो लग रहा है बटरफ्लाई। वाओ वीडियो ले लो, छोटी सी बहुत प्यारी है बटरफ्लाई। ये देखो हेलो वाला है। हाँ ये ये बहुत अच्छा है, खा के देखो। चलो चलो यार, लेट हो गए सच्ची। इधर आया ट्रिप पर आया था बंदे ने ले। हाँ ओ भरावा मेरी बात सुनो, मैंने मार दो थक गए ना पैर। हाँ यही वाली है। लंगर आएगा, लंगर भी मिलेगा यहाँ पे, उसके लिए कहा जाना पर। ओ भैया आए नहीं क्या ड्राइवर? मैंने नहीं पीनी, एक ही लेना बस अपने लिए। तो ये था हमारा ट्रिप, बहुत अच्छा गया और हम 3 बजे घर पहुंच गए थे। हाँ थोड़ा सा लो फील कर रही थी बिकॉज गर्मी बहुत थी जब हम कालका पहुंचे ना, इतनी गंदी गर्मी थी वहाँ, तो ठंडा मौसम था और मतलब बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिप था। और स्पेशली थैंक यू सर और मैम को कि हमें इतनी अच्छी जगह लेकर गए। वैसे मैं पहले गई थी बट मतलब जो पूरी मतलब एक टीम के साथ मज़ा आता है ना, वो ऐसे अकेले में नहीं आता, तो बहुत इन्जॉय किया। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय गाइस, लव यू।